हाय गाइस, कैसे हो? आई नो यार, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया मतलब आप काफ़ी परेशानी में हो अपने FBI ID को लेकर। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। FBI में जो एक बढ़िया सा लोचा है एड फ्रेंड को लेकर, यार मुझे भी पता नहीं था ये एक ह्यूज प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस कर रहे हो काफ़ी दिनों से। मैंने जस्ट कैजुअल एक वीडियो डाला था लास्ट ईयर, हाउ टू फिक्स एड फ्रेंड नॉट शोइंग। अगर आप YouTube पे अभी भी सर्च करते हो एड फ्रेंड नॉट शोइंग तो टॉप में आ जाएगा ये वाला वीडियो। इसमें मैंने इतना ख़ास कुछ नहीं बताया, फिर भी उसमें 1 लाख प्लस व्यूज़ आ गया और मुझे लगता है उनमें से 80% लोगों को सोल्यूशन मिल गया और बाकी 20% लोगों को नहीं मिला, जिन्होंने मुझे हर रोज़ इंस्टाग्राम में DM करते रहे और उनका कमेंट्स भी आ रहा है कि भाई इससे सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने सोचा एक पार्ट टू वीडियो डाल दो और उसमें सारा चीज़ें डिटेल में बता दो कि ये आखिर लोचा क्या है। तो इस वजह से मैं अभी सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो या तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। पहले वीडियो में जितना चीज़ें बताया तो वह सारा चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। सो देखो गाइस, ये एक सिंपल सा सेटिंग्स है। अगर सामने वाले बंदे ने यह सेटिंग्स ऑफ रख दिया तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये सेटिंग्स क्या है अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सो एनीवे गाइस, फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना और उसके बाद राइट साइड ऊपर 3 लाइन से उसमें क्लिक करना और उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना एंड देन सेटिंग्स एंड प्राइवेसी उसमें क्लिक करना, फिर थोड़ा एक्सपांड होगा उसके बाद सेटिंग्स में क्लिक करना। जैसे आप सेटिंग्स में क्लिक करते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारा चेंजेस आ गया। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे DM कर सकते हो FB सेटिंग्स पर, मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। तो नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी सेक्शन में जाना है, उसके बाद यहाँ पर हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू उसमें आपको क्लिक करना। तो जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हो नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर मेरा अभी सेटिंग्स है एवरीवन, उसमें क्लिक करना। अगर एवरीवन मींस FB में जितने भी बंदे हैं वो उस बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मतलब उसका एड फ्रेंड का जो बटन है वो इनेबल है। अगर नीचे वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, मीन्स आप जिस भी पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो उसके फ्रेंड में से किसी एक फ्रेंड आपके फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स होना चाहिए। अगर आपके साथ उसका म्यूचुअल एक भी फ्रेंड है तो आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आपके वहाँ एड फ्रेंड दिखाएगा वरना आपके वहाँ सिर्फ फॉलो का ऑप्शन दिखाएगा। तो गाइस, अभी मैं आपके सामने यहाँ पर ये सेटिंग्स चेंज करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। उसके बाद मेरा प्रोफाइल में जाके व्यू एज करके देखना, सिर्फ यहाँ पर एड फ्रेंड का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, ओनली फॉलो का ऑप्शन दिखाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, एड फ्रेंड का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल करके रखना, मीन्स यहाँ पर सेटिंग्स में जाके एवरीवन रखना, मीन्स FB में जितने भी बंदे हैं वह मुझे ईजीली ऐड कर सकते हैं, सब मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड फ्रेंड इनेबल हो चुका है। अगर आप मुझे ऐड करना चाहते हो तो सिंपली मेरा ID पे जाके यहाँ पर ऐड में क्लिक करोगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, म्यूचुअल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप मुझे ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर पिन पोस्ट देख रहे हो DP में, या फिर इस पिन पोस्ट में आपको 5 कमेंट्स करना है, सिर्फ 5 कमेंट्स करोगे तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर यह सब सेटिंग्स सही है फिर भी सिर्फ पार्टिकुलरली आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, मीन्स सामने वाला जो बंदा है उसको बाकी सारा लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, सिर्फ आपके वहाँ एड फ्रेंड नॉट शोइंग, आप उस बंदे को एड फ्रेंड नहीं कर पा रहे हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपके पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इस ID का स्क्रीनशॉट ले लो या तो इस ID का लिंक कॉपी करके आप FB में जाके रिपोर्ट करो। सिर्फ आपके पास ये सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप FB में जाकर रिपोर्ट करो अपने ID से कि ये जो सामने वाला बंदा है उसको मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब लोग इसको ऐड कर पा रहे हैं। तो यही सारा चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करके आप रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट कैसे करते हैं अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर एक ID देख सकते हो, आदित्य प्रताप सिंह। तो आप किसी भी ID पे जा सकते हो और यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके कोई भी यहाँ पर एड फ्रेंड का ऑप्शन दिखा देता है। तो इस ID में आप देख लो एड फ्रेंड का कहीं भी ऑप्शन नहीं है,
तो मुझे क्या करना है, यहाँ से रिपोर्ट नहीं करना, यहाँ से कॉपी लिंक उसमें क्लिक करके इस आईडी का लिंक कॉपी कर लेना और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद मेरा जो फेसबुक आईडी है वहाँ से रिपोर्ट ए प्रॉब्लम मतलब हेल्प एंड सपोर्ट में जाके रिपोर्ट ए प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो गाइस आपको अपना आईडी से रिपोर्ट करना, हेल्प एंड सपोर्ट में जाना, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम और उसके बाद नीचे फिर से कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम उसमें क्लिक करना। जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएटिंग रिपोर्ट आप देख सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना फ्रेंड रिक्वेस्ट, जैसे कि आपका प्रॉब्लम फ्रेंड रिक्वेस्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर क्लिक करना फ्रेंड रिक्वेस्ट पे। उसके बाद यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करना आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, मीन्स आपका जो फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला लोचा है। आप जिस भी पर्सन को ऐड नहीं कर पा रहे हो उस आईडी का यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच करना और यहाँ पर उस आईडी का लिंक भी पेस्ट कर देना। और यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो टाइप करना, मीन्स एफबी को समझा देना, एफबी टीम को कि आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है अगर आपको नहीं आता आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जो लिख रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा अगर आपको चाहिए होगा तो। तो यहाँ पर ऐसा एक सिंपल सा मैसेज लिख देना कि डियर फेसबुक टीम मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, ऐसा कुछ, ताकि फेसबुक टीम वालों को आपका मैसेज समझ में आ जाए। और उसके बाद ऊपर सेंड है उसमें क्लिक करना, जैसे आप सेंड करते हो तो रिपोर्ट हो जाता है, फेसबुक टीम आपका मैसेज और आपका जो प्रॉब्लम है उस पर रिव्यू करेंगे। उसके बाद सपोर्ट बॉक्स में एक फेसबुक की तरफ से रिप्लाई आएगा और उसके बाद आई होप आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा या जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी इससे आप सेटिस्फाइड हो, अगर यस तो आप लाइक कर दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करके डीएम कर सकते हो या तो इस वीडियो में कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लगा। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एफबी ग्रुप्स में व्हाट्सएप में सारे जगह फैला दो ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप सेफ एंड कीप स्माइलिंग।